नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और बादल आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अभी 5 बजे का टाइम है और सुबह का मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि सुबह का मौसम देख के जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो क्या पता उनका भी दिल करे कि हाँ हमें भी उठना है। तो बहुत सुंदर मौसम है, बारिश खूब ज़्यादा हुई थी और इतना अच्छा मौसम है कि शब्दों में नहीं बता सकती मैं। तो सुबह हम लोग वॉक कर चुके हैं, एक्सरसाइज वगैरह जो भी मेरी थी वो हो चुकी है और अभी भी बादल लगे हुए हैं, मतलब अभी भी बारिश आने की संभावना है। खैर अब हम लोगों का नीचे जाने का टाइम हो गया, 10-15 मिनट बाद हम नीचे जाएंगे, कमल जी प्लांट्स में पानी डाल देंगे। उसके बाद अगेन मैं छत पे प्रकट हो गई हूँ। 6:30 बजे का टाइम है और अभी भी मौसम वैसे के वैसा अच्छा बना हुआ है, लेकिन हाँ रोशनी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जल्दी जल्दी जल डाल के फिर नीचे जाऊँगी मैं। और आप देख सकते हैं प्लांट्स हिल रहे हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और यश को भी मैं लेके आई हूँ। यश कह रहा था कि इतना अच्छा मौसम है, अच्छा वो आपने मुझे उठा दिया, जो कि मैं उसको डेली लेके आती हूँ। वो बहुत ज़िद करता रहता है कि नहीं अभी नहीं, लेकिन मैं फिर भी लेके आती हूँ। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और आज सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही है छत पे, तो मतलब नीचे जाने का मन ही नहीं हो रहा, बहुत ठंडी हवा चल रही है, पौधे कैसे हिल रहे हैं। नहीं जाके ब्रेकफास्ट बनाना है, लेकिन बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा नीचे जाने का। तो चलिए मैं नीचे जाके थोड़ा सा काम वगैरह शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी देर, आधा घंटा हो गया करीब मुझे, आधे घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं। और बस लग रहा है बस खड़े रहो देखते रहो। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि अपना डाइनिंग टेबल को किस तरीके से यूज़ करें, क्योंकि डाइनिंग टेबल का यूज़ खाना खाने के लिए तो सब करते हैं। तो आज हम यूज़ करेंगे डाइनिंग टेबल का नए तरीके से। नए क्या तरीके से, बारिश का मौसम है तो कुछ सुखाने के लिए, दाल या कुछ भी सुखाने के लिए, तो मैं नीचे यूज़ कर रही हूँ डाइनिंग टेबल का। सेफ़ रहता है क्योंकि नीचे अगर रखेंगे तो घर तो इतना बड़ा है नहीं कि उससे मतलब टकराए ना, क्योंकि टकरा सकते हैं, ख़ास करके हम तो नहीं भी टकराएंगे, यश तो ज़रूर टकराएगा ही। और यहाँ पे कमल जी सब्जी काट रहे हैं, और जब से ये क्या बोलते हैं कोरोना वगैरह आया है तब से कमल जी कई टॉवल साइड में रहता ही है। और लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था, मैंने एक्चुअली कोरोना का नाम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि यूट्यूब कुछ चीज़ों को मना करता है कि हाँ ये शब्द आप इस्तेमाल ना करें अगर आप ऑथराइज चैनल नहीं है इस चीज़ के लिए, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रही थी। और वो डाइट जो मैंने किया था मैंने उस डर से किया था कि कहीं मुझे हो तो नहीं गया कोरोना, नहीं तो अभी के टाइम में मैं डिटॉक्स के लिए 3 दिन का वो नहीं प्रेफर करूँगी, एक दिन काफ़ी है। और 3 दिन का अगर मुझे करना भी होगा तो मैं इतना ज़्यादा खाना नहीं छोड़ूंगी, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ध्यान से, या तो अपने वीडियो सुना नहीं है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे होते हैं यूट्यूब के कि हर चीज़ हम बोल नहीं पाते, मतलब हमारे मुँह में थोड़ा सा ताला लगा दिया जाता है। तो उस वजह से, क्योंकि मैंने एक वीडियो में कहीं मेंशन किया था तो यूट्यूब ने उस वीडियो को वो किया, फिर मैंने उस वीडियो को हटा के दूसरे चैनल पर फिर हटा दिया, मैंने उस वीडियो को फिर से दोबारा से उसको एडिट करके फिर मैंने अपलोड किया था। खैर और ये दाल जो है इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहना, नहीं तो ये चिपक जाएगी। और आज मैं सोच रही थी किचन का कुछ साफ़ सफाई करने का, लेकिन आज मेरे घर में कुछ खास मेहमान आ रहे हैं तो मैं आपको उनसे मिलाऊँगी, तो आज का तो दिन मेरा फिर उन्हीं को समर्पित हो जाएगा। क्योंकि जो मेहमान आ रहे हैं वो ऐसे मेहमान हैं कि वो कोई काम नहीं करने देते, उनके पास चिपक के बैठना पड़ता है बिल्कुल ही। और कमल जी सब्जी काट चुके हैं। सही में जब मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती थी तो सब्जी वगैरह तो वही सब मतलब वही लोग काटते थे, क्योंकि सब्जी काटना उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि अगर मैं कभी सब्जी काट भी लेती थी तो जो मेरी मदर इन लॉ वो बोलती थी कि क्या हुआ आज, क्या बात हो गई, सब्जी क्यों काट ली, तो इसलिए वही काटते थे। अब कमल जी को वो अपना कार्यभार सौंप दिया उन्होंने। और ये दाल काफ़ी सारी एक्चुअली हमने ख़रीद ली थी लॉकडाउन से पहले, तो अब इसको मैं धो के और इसको मैं 2 दिन अगर नीचे सुखा दूँगी पंखे में तो आराम से सूख जाएगा, लेकिन बीच में मुझे हटाना पड़ेगा, पानी इसका ऑलमोस्ट निकल जाएगा। तो अभी तो मैं खाना बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। आज खाने में बनेगी लौकी। ए सी है बेटा, वो ए सी है बेटा, कूलर नहीं है। हाँ ए सी।
किड्डू भाई कहाँ है? आपका भाई कहाँ है किड्डू? कहाँ है भाई? मोनी ऑफिस गए। अब सो जाओ बेटू। नहीं नहीं नीचे नहीं उतरना, अब आप निन्या कर लो। नो 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 किटो। मम्मू चलो चलो सो जाते हैं। किटो सो के उठ चुका है 2-2.5 घंटे सोने के बाद। चलो किड्डो उस रूम में चलो। अरे किड्डो 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 आ जा। किड्डो किड्डो लो खेल रहा है। लाइट ऑफ कर लो। क्या कर रहा है? डंबल देख रहा है। गाय प्रेस को गाय बोलता है। आओ किड्डो, डंबल वो निकालने की कोशिश कर रहा था। किड्डो चलो चलो बेटा। कार दिखा दो यश अपनी एक। किड्डो कहाँ रख रहा है? लाओ चला दूँ। चला लो आप। किड्डो ये किसने दिया? लो चलाओ। भाई जा रहा इसको भी जला दो। गाड़ी गाड़ी लाओ चला दो चला दो। तो किसने दिया? ये क्या कर रहे हो किड्डो? किड्डो फिर चला दूं। किसने दिया ये किड्डो को? किड्डो अच्छा बाजा रुको। किड्डो लॉइन बन गए आप तो। किड्डो चलो बेटा आ जाओ, भाई को करने दो एक्सरसाइज। आप बड़े हो जाओगे तब करना। चलो बेटा आ जा बेटा आ जा मेरा बच्चा। किड्डो चलो 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 चलो। अरे किड्डो 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 बॉटल ले लो। चलो देखो आपने बॉटल वहां पे रखी है। चलो देखो 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 भाई को क्या कर रहा है। देखो देखो भाई क्या कर रहा है। किड्डो ले जाओ
आपसे नहीं उठेगा बेटू, आ जाओ दे दो माई, आ जाओ बेटा दे दो। चलो किड्डो वो उठाएगा बेटा, अभी से डंबल नहीं उठाने बेटा, आजा मेरा चुटकू, आजा आजा आजा। हाँ यश का डंबल उठाने गया था ये, किड्डो क्या हुआ किड्डो? किड्डो नहीं नहीं प्लांट प्लांट टूट जाएगा क्लिट किड्डो, अरे रे नो तोड़ दिया आपने प्लांट, छोड़ो छोड़ो इसे छोड़ो, अच्छा मैं जाने दे रही हूँ, छोड़ो चलो आओ चलो चलो उधर मम्मा के पास चलो, मम्मा के पास चलो, आजा आओ। आज का सारा दिन मेरा ऐसे ही किड्डो के साथ ही चला गया। और ये जो है कंडीशन है श्रेया के घर की, एक्चुअली श्रेया अपने फ्लैट पे गई थी मम्मी पापा के साथ कुछ सामान लेने, वो एक्चुअली उसके बाद से जा ही नहीं पाई थी, 4 महीने हो गए तब से, धूल से इतना बुरा हाल हो रखा है फ्लैट का सही में, और गमलों की तो इतनी दुर्गति हो रखी है जबकि उसके पौधे बहुत सुंदर थे। एनीवेज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।